हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 18 लाइफ ऑफ अर्ली मैन इन सोशल स्टडीज। आज मैं आपको चैप्टर 18 पढ़ाऊंगी, लाइफ ऑफ अर्ली मैन। मैन हैज़ लिव्ड ऑन अर्थ सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आप सबको पता है कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, बहुत सालों से, हजारों सालों से पृथ्वी पर रहता आया है। ही लिव्ड इन जंगल्स जस्ट लाइक एनिमल्स डिड। ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैन ऑफ टूडे। द फूड ही एट वॉज डिफरेंट, द क्लोथ्स ही वोर वर डिफरेंट, ही वॉज द अर्ली मैन। तो हजारों वर्ष पूर्व जो मानव रहते थे उनको हम आदि मानव कहते थे। वो जंगलों में रहते थे जिस तरह की जानवर रहते हैं, और जो आज का मानव है, आज का इंसान है, उससे वो बिल्कुल विपरीत थे, जस्ट लाइक दैट एनिमल। उनका खाना पीना भी डिफरेंट था, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल भी, कपड़े भी डिफरेंट थे, और उनको हम क्या कहते थे, अर्ली मैन मीन्स आदि मानव कहते थे। What he ate, वो क्या खाते थे, सबसे पहले जानना जरूरी है कि उनका भोजन क्या था। Early man ate whatever was available. He ate roots and roots of plants. Sometimes he even killed small animals and ate their flesh raw. This was because he did not know how to make fire. Hence he did not know how to cook his food. जो पुराने व्यक्ति थे तो वो जो भी कुछ उनको मिलता था, जो भी प्राप्त होता था, वो उसको खा लेते थे। कभी वो फल खा लेते थे, तो कभी वो पेड़ पौधों की जड़ों को तोड़कर खा लेते थे, और कभी कभी वो जानवरों को भी मारकर उनका मांस खा लेते थे, और वो कच्चा और ताज़ा मांस खाते थे। This was because he did not know, क्योंकि वो नहीं जानते थे, ना तो उन्हें आग जलाना आता था और ना ही उन्हें भोजन पकाना आता था। He could never find plenty of food इन वन प्लेस, सो ही कैप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसे कभी भी शुद्ध भोजन एक स्थान पर नहीं मिलता था, तो वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। वॉट ही वोर मीन्स वो क्या पहनता था। अर्ली मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। इन विंटर ही फेस प्रॉब्लम्स, ही हैड टू स्टे इनसाइड केव्स। दिस इंक्रीज द नीड फॉर वार्म क्लोथ्स। For this, he skinned dead animals and wrapped them around himself. This kept him warm. जो अर्ली मैन था, वो खुद को, अपने आप को कवर करने के लिए जो पत्तियाँ होती थी पौधों, बड़े बड़े पेड़ों की जो पत्तियाँ होती थी और ट्रीज़ की जो छाल होती थी, उसको अपने बॉडी पे लपेट लेता था। इन विंटर, सर्दियों में उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश करना होता था इस समस्या को, तो सर्दी के समय में वो कुहाओं के अंदर ही रहता था। दिस इंक्रीज्ड, बजाय इसके कि वो अपने गर्म कपड़े की तो उसको आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे, इसलिए वो स्किन जो होती थी डेड एनिमल्स की, जो छाल होती थी, स्किन होती थी, उसको रॉप डैम अराउंड हिमसेल्फ, अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेता था और उससे अपने शरीर को गर्म रखता था। द यूज़ ऑफ टूल्स, वो टूल्स का यूज़ कैसे करता था। अर्ली मैन हैड टू डिग द ग्राउंड फॉर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड किल एनिमल्स। जो अर्ली मैन था, वो ज़मीन पे, जो धरती के द्वारा वो अपनी दिशा को खोज लेता था, कि धरती का उसको अंदाज था कि मुझे किस दिशा में चलना है, तो उसी दिशा में वो अपने पेड़ों को, उनकी जड़ों को खोज लेता था। लेकिन जो उसे, जो किल एनिमल्स थे विद हिज बेयर हैंड्स, उसे बहुत मुश्किल से अपने हाथों से उन जानवरों को मारता था। दिस मेड हिम मेक टूल्स विच ही कुड डिग द ग्राउंड एंड किल एनिमल्स। और वो ज़मीन पर उनको लिटा के जानवरों को बहुत मुश्किलों से उस दिशा में ले जाकर उसे मारता था, लेकिन अपने हाथों को ही अब औजार बनाता था, उसके पास उस समय में कोई औजार नहीं था। ही मेड हिज टूल्स विद स्टोन, उसने बनाया पत्थर के औजार। स्लोली ही इम्प्रूव्ड हिज टूल्स विच मेड इट ईजियर फॉर हिम टू डिग द हंट एनिमल्स। धीरे धीरे करके जो उसके जो टूल्स थे, जो पत्थर के जो उसने औजार बनाए थे, वो आसानी से उसमें अपने सफल हो गया और उससे वो जानवरों को आसानी से मार का शिकार करने लगा। टूल्स ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। जो टूल्स थे, उसने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया अर्ली मैन की लाइफ में। ही कुड इवन किल एनिमल्स विच वर स्ट्रॉन्गर देन हिम। अब वो जो उससे शक्तिशाली जानवर होते थे, वो उन्हें भी बहुत आसानी से उन पत्थरों के औजारों के द्वारा मार सकता था। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ फायर, आग का किस तरह प्रयोग किया। फायर ऑलवेज फैसिनेटेड अर्ली मैन। मैनी टाइम्स ही सॉ द जंगल्स ऑन फायर। बहुत से समय आपने देखा होगा कि जंगल्स में भी
आग जलाते हैं लोग. ही सॉ फायर कमिंग फ्रॉम द स्कीज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग. और जो फायर होती है वो हमें प्रकाश भी देती है, आग भी देती है, गर्म रखने के भी काम आती है. ही कुड सी दैट द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ इट. अब उसने आग जलाने से उसे क्या फ़ायदा हुआ कि जो एनिमल्स जिनसे उसे डर लगता था वो उन्हें दूर से आते हुए देख, जिनसे वो डरता था तो वो दूर से ही उन्हें देख सकता था. दे रैन अवे फ्रॉम इट. और वो दूर से ही उसे देखकर भाग जाते, मतलब भाग जाते थे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, ही रियलाइज दैट द फायर कुड बी यूजफुल टू हिम. उसे रियलाइज हुआ, उसे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि जो आग है उसे वो और भी यूज़ कर सकता है. Perhaps he did make use of the jungle fire and realized that it had great importance. उसने पहचाना इस चीज़ को कि वो बहुत, आग जो है उसकी जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. Fire made him much stronger against animals. जब वो बहुत बड़े जो शक्तिशाली जानवर हैं वो उनके भी, वो भी उससे डरते हैं, यानी उनसे दूर चले जाते हैं आग देखकर. ही लेटर लर्न दैट ही कुड स्टार्ट अ फायर बाय स्किटिंग टू स्टोन्स और रबिंग टू बैम्बो स्टिक्स टुगेदर. उसने बैम्बो टू स्टिक्स ली और उनको जब रब किया यानी रगड़ा तो दोनों में से आग निकलना शुरू हो गई. एज टाइम वेंट बाय, धीरे धीरे समय गुजरता गया, ही लर्न दैट फायर मेड फूड सॉफ्टर एंड टेस्टियर. आग जलाने से वो सीख गया, जब आग जल गई तो उसका खाना भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी, स्वादिष्ट बनने लगा. एंड सो ही स्टार्टेड कुकिंग. और उसने कुकिंग करना भी शुरू कर दिया, यानी जो मांस था उसको भून कर खाने लगा. पहले वो कच्चा खाता था, भुना हुआ मांस उसे स्वादिष्ट लगने लगा. फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट एंड फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. जो जंगली जानवर थे उनसे भी सुरक्षा मिलने लगी उससे आग के द्वारा. और जितने भी उसका शरीर में जो ठंडक थी सर्दियों की, वो भी उसकी जो कोल्ड थी क्लाइमेट था वो भी उसे गर्मी महसूस होने लगी. फायर वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड अ वून टू हिम. फायर ने, आग ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ला दिया था. तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.